हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है कपूर परिवार। कपूर परिवार से अक्सर खबरें आती रहती हैं। कपूर परिवार के सदस्य आए दिन कहीं ना कहीं स्पॉट भी किए जाते हैं और इस दौरान देखा जाए तो अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के जरिए फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए देखे जाते हैं। बात की जाए बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान के बारे में तो करीना काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में करीना कपूर को मुंबई में स्पॉट किया गया है अपनी मां के साथ। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरे ज़माने की मशहूर और दिग्गज अभिनेत्री बबीता कपूर के बारे में। बबीता कपूर जो आज के समय में 74 इयर्स की हो चुकी हैं और जब भी बबीता कपूर को कहीं स्पॉट किया गया है तो अपने लुक के जरिए हमेशा ही फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचती हुई नजर आई हैं। बबीता कपूर जो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं और उन्हें उम्र संबंधी समस्याएं होती हुई नजर आने लगी हैं। वेल दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं बबीता कपूर के बारे में, जो हाल ही में अपनी बेटी करीना के साथ मुंबई में स्पॉट की गई हैं और इस दौरान अपनी बेटी का सहारा लेकर चलती हुई नजर आ रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। वेल दोस्तों, बता दें आपको कि बबीता कपूर जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में बहुत ही कम फिल्में की हैं, लेकिन बबीता कपूर ने फिल्मी दुनिया को छोड़ने का फैसला लिया अपने परिवार की खातिर। जी हाँ, जब दिग्गज अभिनेता रणधीर कपूर के साथ शादी के बंधन में बंधी बबीता कपूर कपूर परिवार की बड़ी बहू बन गई और उन्होंने ये कुर्बानी दी फिल्मी दुनिया को छोड़ने की। और ऐसे में देखा जाए तो बबीता ने भले ही फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहा हो, लेकिन अपनी दोनों ही बेटियों को उन्होंने सुपरस्टार बनाया और आज के समय में करिश्मा कपूर और करीना कपूर फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। लेकिन आज के समय में बबीता कपूर लाइमलाइट से दूर है, लेकिन चर्चा का विषय बनी रहती हैं जब भी वह कहीं भी स्पॉट की जाती हैं। आइए दिखाते हैं बबीता का ये लुक जब अपनी बेटी करीना के साथ मुंबई में स्पॉट की गई। बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान बीते गुरुवार की दिन मालदीव हॉलिडे से मुंबई वापसी की है। इस दौरान करीना को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। करीना कपूर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके अपने पति यानी कि नवाब सैफ अली खान और अपने दोनों लाडली बेटों तैमूर और जी के साथ मुंबई वापस लौटी है और इसके बाद करीना कपूर मिलने पहुँच गई अपनी मम्मी यानी कि दिग्गज अभिनेत्री बबीता कपूर से। इस दौरान बबीता कपूर की दर्द भरी झलक देखने को मिली है। दरअसल बबीता कपूर उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं और इसी बीच देखा जाए तो बबीता को चलने फिरने में दिक्कत होती हुई नजर आई है। दरअसल सहारा लेकर चलती हुई नजर आई है बबीता कपूर। इस दौरान करीना उन्हें संभालती हुई गई है। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे बबीता और करीना कपूर की झलक। जरा देखिए कैसे करीना की माँ यानी कि बबीता कपूर सहारा लेकर चलती हुई नजर आई है। इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे कि करीना कपूर यहां पर पिंक कलर की कैजुअल टी शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स में नजर आ रही हैं, तो वहीं बबीता कपूर भी काफी कैजुअल आउटफिट में दिखाई दे रही हैं। बता दें आपको कि करीना बबीता कपूर से मिलने पहुंची तो वहीं बाद में दोनों को स्पॉट किया गया करीना के मैनेजर के ऑफिस के बाहर। इस दौरान बबीता कपूर सहारा लेकर चलती हुई नजर आई है और सहारे से वह कार में बैठी हुई देखी गई है। हालांकि बबीता कपूर यूं सहारा लेकर क्यों चल रही हैं इस बात की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन करीना और करिश्मा कपूर हमेशा ही अपने पेरेंट्स यानी कि रणधीर कपूर और बबीता कपूर का खास ख्याल रखते हुए देखी जाती हैं।
हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि बबीता कपूर किस तरह से अपनी बेटी करीना का सहारा लेकर चलती हुई नजर आई हैं और इस दौरान की ये बबीता की झलक वाकई में हर किसी को हैरान करती हुई नजर आई है। बबीता जो कि 74 ईयर्स की हो चुकी हैं और इस बीच देखा जाए तो जहां एक और रणधीर कपूर जो काफ़ी दर्द भरे दौर का सामना करते हुए नजर आए हैं, रणधीर जिन्होंने अपने दो भाइयों को खोया है और एक बहन को, और इस बीच बबीता उनका सहारा भी बनी हुई है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।